guys, welcome back to my channel. In today's video, I'll be showing you guys Meesho Ramzan Home Decor Haul. ठीक है, Home Decor Haul है जो कि मैंने रमजान के लिए पर्चेस की. आप normally अपने घर सजाने के लिए भी पर्चेस कर सकते हो. रमजान स्पेशल है क्योंकि कुछ मैंने फ्रेम्स वगैरह भी पर्चेस की हूँ. वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर रमजान. हम लोग रमजान में अपने घर सजाते हैं. एवरीथिंग इज वेरी अफोर्डेबल. 200 रुपए की चीजें भी है. तो चलो वीडियो स्टार्ट विद माई फेवरेट पर्चेस विच इज दिस फ्रेम. ठीक है, आपको ये फ्रेम मिल जाएगा ओनली फॉर ₹200. ये मुझे जैसा पिक्चर में दिखा वैसा ही रिसीव हो गया है. ये अरेबिक में आपको सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर लिखा हुआ मिल जाता है. ऐसी कैलीग्राफी बन जाती है इसमें. और इसमें पीछे से आपको ना ऐसा डबल साइडेड टेप लगा हुआ है, तो आप उसको कहीं पर भी वॉल पे स्टिक कर सकते हो. मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग वीडियो लगा रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने स्टिक नहीं की हूँ कहीं पे भी. अब मुझे स्टिक भी करना है, बट मैंने सोची पहले आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ सिट डाउन वीडियो में, वरना अगर मैं लगा दूंगी तो मैं आपको कैसे दिखा पाऊंगी. तो चेक दिस आउट. पैकेजिंग भी इसकी अच्छी आई थी, एकदम बबल रैप करके आ गया था. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फॉरवर्ड. नेक्स्ट मैंने ये परचेस की हूँ. ये जार आ जाता है. ये मैं अपने डाइनिंग टेबल में रखने के लिए परचेस की हूँ. एंड इसमें मैं ना पूरा खजूर डाल के रखूँगी डेट्स. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. एक ना एक एस्थेटिक सा लगेगा घर पर डेकोरेशन पर्पज़ के लिए. इट्स नाइस. क्वालिटी भी बहुत अच्छी रिसीव हो गई है. ये मुझे सिर्फ 300 या 400 का कुछ रिसीव हुआ है. नॉर्मल मार्केट में इतना सस्ता नहीं मिलेगा. मे बी आपको ढोंगरी वगैरह पर मिल जाए, पर या हमारे आई लिव इन केरला सो यमक किटेला लाइक हमको नहीं मिलता है. एंड आर रिलीजन, मेरा रीजनल लैंग्वेज भी मलयालम है, बट आई स्पीक इन हिंदी इन माई वीडियो. सो एनी मलयाली हियर प्लीज़ कमेंट में हाई बोल देना. हाई भरना हमारी कमेंट लिए. ओके, एनी मलयाली इज वॉचिंग. सो या हमारे यहाँ पे एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव. So it's nice, I liked it. इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए. थर्ड आई गॉट दिस लैंटर्न. ठीक है, ये लैम्प बोल सकते हो, लैंटर्न बोल सकते हो आप. ये एकदम ही ना अरेबिक वाइब देता है. तो मैंने सोची कि इसको भी मैं ऐसा टेबल पे रख सकती हूँ या फिर ऐसा डेकोरेशन के लिए ना कहीं पे हैंग भी कर सकते हो आप. ठीक है, लाइक ऐसे ऊपर की तरफ हम लोग क्या बोलते हैं लाइट्स वगैरह भी लगाते हैं ना लाइक अपनी खिड़की के पास वगैरह. तो आप इसको ऐसे टांग भी सकते हो, अच्छा लगेगा. अंदर आप इसके ना लैम्प मतलब ऐसे इसके अंदर आप कैंडल रख सकते हो, कैंडल जला के रख सकते हो. तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा बाहर से. मैं तो इसमें कैंडल नहीं जलाने वाली हूँ, मैं इसको बस ऐसे ही डेकोरेशन के जैसे रखूँगी. आई लाइक दिस. आप बताना आपको ये कैसा लगा. दो का सेट मिल जाता है. इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव. 200-300 रुपए का है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम यूज़फुल चीज़ें हैं, पर यार डेकोरेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो. क्वालिटी बहुत अच्छी आई है. फॉरवर्ड मैंने ये कैंडल्स परचेस की हूँ. मुझे ओरिजिनल कैंडल्स मैं नहीं रखती हूँ घर पे, तो मैंने ये ना ओरिजिनल दिखने वाला ऐसा कैंडल परचेस की हूँ जो कि बैटरी से चलता है. पीछे से आपको ऑन करना है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये एक्चुअली यहाँ से ऐसा हिलता भी है, तो एक्चुअली इसे ना डिम होता रहता है. एकदम ओरिजिनल जैसा ही लगता है. ये आपको 3 का सेट मिल जाएगा. साइड में मैं वीडियो दे रही हूँ. तीनों भी जब आप ऑन करोगे ना तो एकदम ओरिजिनल लगेगा और ये पिघल के जाएगा भी नहीं, हमेशा ऐसे ही रहेगा. दिखने में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगता है. आप टेबल में वगैरह रख सकते हो एंड इट्स नाइस. डेकोरेशन पर्पस के लिए सही है. देख सकते एकदम ना मेरे कैमरा पे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं नाइट टाइम पे शूट कर रही हूँ, तो इसीलिए. बट ओवरऑल साइड में मैं वीडियो लगा रही हूँ. देख सकते हो कितना मस्त लगता है ये. नेक्स्ट ये मेरे पास है, ये क्रोशे टाइप का वॉल हैंगिंग. ठीक है, इसमें सन और स्टार बना हुआ है. ये बहुत ही मतलब अभी रमज़ान वाइब जैसा मुझे लगा, इसीलिए मैंने परचेस कर ली. पर या इट्स नाइस. बहुत ज़्यादा लंबा भी है, बहुत बड़ा भी है ये. और ये जो एकदम हैंड डिटेलिंग वर्क है, ठीक है, तो ये हैंड वर्क मिल जाता है आपको. आप एज अ डेकोर आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो अच्छा है. ठीक है, स्टार मुझे थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा रहता तो बेटर लगता था.
बट नो वरीज, लगाने के बाद में मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी कैसा लगता है। मैंने बस अपने दरवाजे के पीछे ऐसे जस्ट हैंग करके आपको दिखा रही हूँ। इसको प्रॉपरली अच्छे से जब मैं सजाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह अपने रमजान ब्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी। मैं अपने बेडरूम में एक जगह पे ऐसे हैंग करने का सोच रही हूँ, आप बताना कैसे लगे। दिस थिंग इज वेरी यूजफुल। ये मैंने स्टडी टेबल परचेस की हूँ, बट ये मैं एज अ स्टडी टेबल नहीं परचेस की हूँ। द मेन पर्पज इज कि मैं इसमें कुरान वगैरह आराम से बैठ के पढ़ सकती हूँ। मेरे पास रिहाल जो थी ना वो है, पर वो मैं कहीं पे रख नहीं पाती हूँ। मेरे पास वैसा कुछ स्पेस नहीं मिलता कि मैं रखूँ, तो इसीलिए मैंने सोची कि इसमें रख दूँगी और ये बाद में भी काम आएगा। लाइक मेरी बेटी को भी स्कूल में डालना है तो इंशाल्लाह वो भी इसमें पढ़ाई कर लेगी। और अगर आपको खाना खाने के लिए वगैरह यूज़ करना है बेड पे बैठ के, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप पानी का बॉटल रख सकते हो, कोई स्पेस मिल जाता है। ऑल्सो इट्स नाइस, मुझे ओवरऑल ये अच्छा लगा। यहाँ पे देर इज़ समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं अभी जस्ट इसको अनबॉक्सिंग की। अच्छा ठीक है, इसमें आप कुछ भी से उठा के भी रख सकते हो। ओके नाइस, इसके अंदर आप बच्चे लोग के पेंसिल पेन वगैरह इसमें रख सकते हो, तो दैट्स नाइस थिंग। ये मैं नहीं देखी थी, ये मैं अभी देखी हूँ। वेट, इसको अंदर कैसे करते हैं। हाँ ठीक है, अंदर हो गया ये। या ये एकदम ऐसा वुडन टेक्सचर मिल जाता है यहाँ पे, आई लाइक द क्वालिटी। आप इसको चाहे तो ऐसे फोल्ड करके रख भी सकते हो। शिट, तो आप चाहे तो इसको ऐसे फोल्ड करके भी रख सकते हो, तो इट्स नाइस। अब इसको कैसे भी ना ऐसे भी कैरी कर सकते। आई हैव मोर डेकोरेशन पीसेस। ये ना फेक प्लांट्स है, इसका साइज मैंने सोची थी बहुत बड़ा आएगा, बट ये बहुत छोटा सा साइज आया है। इट्स अ वेरी इनएक्सपेंसिव, 200 रुपए का मुझे ये 3 आ गया है। ठीक है, ये आप टेबल पे वगैरह रख सकते हो, कहीं पे भी एज अ डेकोरेशन पीस आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं वीडियोस वगैरह बनाने में इसको साइड में ऐसा रखती हूँ ना, तो एक अच्छा लुक देता है। सिंपल रखने से अच्छा मुझे ऐसे कुछ ना कुछ ऐड करना ज़्यादा पसंद है, तो मेरे लिए यूज़फुल होने वाला है। अगर आपको भी ये थोड़ा सा यूज़फुल लगेगा तो आप भी ट्राई कर सकते हो। डेकोरेशन पीस आ जाता है, पूरा प्लास्टिक है, आपको कुछ भी ऐसा पानी वगैरह नहीं डालना, रियल प्लांट नहीं है ये। और ऐसा वाइट कलर का डिटेलिंग आ जाता है, पॉट इसका सा वाइट पॉट जैसा आ जाता है। यहाँ पे ऐसा फेक मर्ड जैसा कुछ डिटेलिंग दिया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्टली जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि इट इज़ लिटिल हैवी। एक सेकेंड में फिर भी ट्राई करती हूँ। तो ये मुझे ऐसा कुछ रिसीव हो गया है, मैंने परचेस की थी ये चीज़। देखिए एक्चुअली ऑर्गेनाइज़र है, किचन में आप अपनी चीज़ें से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, पर ये मैंने ना लाइक अपने कुरान और जो भी इस्लामिक बुक्स है उसको अच्छे से रखने के लिए मैंने ये परचेस की हूँ, ताकि सब चीज़ एकदम ऐसे ना शेड्यूल लगे, एकदम ऐसा प्रॉपर ऑर्गेनाइज लगे। बट ये मुझे ऐसा कुछ रिसीव हुआ, पहले तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या आया है। मुझे लगा कि भाई मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, बट नहीं, इसको जब आप ऐसे ऑर्गेनाइज करते हो, मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी, जब आप इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे तो कुछ ऐसा लगेगा। यू विल नीड समवन्स हेल्प, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोल के ये सही करवाने वाली हूँ। इसमें आपको स्क्रू वगैरह सब कुछ मिल जाता है, आपको बस ऐसे कुछ इसको ना, मैंने बस ऐसे लिटा के इसको आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, इस तरीके से आपको बस अटैच करना है। उसके बाद में आप इसमें कुछ भी चीज़ रख सकते हो, आपको डायरेक्टली अपने वॉल पे हैंग करना है उसके बाद। तो मुझे तो भाई ठीक लगा, अकॉर्डिंग टू द प्राइस सही है। अब देखते हैं, मैं सब चीज़ इंशाल्लाह अपने रमज़ान ब्लॉग में ऐड करूँगी अभी, क्योंकि ये सब चीज़ तो मैंने अभी रिसेंटली खरीदी हूँ, अब इसको यूज़ करना बाकी है। तो या अगर आप भी देखना चाहते हो कि मैं ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करूँगी अपने घर पे, तो मेरा इंशाल्लाह रमज़ान ब्लॉग देखना भूलना मत। वो तो रमज़ान में ही रहेगा, पर अभी से रमज़ान डेकोरेशन करना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। विल अपडेट यू गाइस अबाउट द सेम। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक आउट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।